आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। सो आप सबको आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, वो है क्वांटम मैकेनिक्स से। सो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोगों को बहुत ही बुरी लगती है, मैं जानती हूँ। इनफैक्ट मुझे भी बहुत बुरी लगती थी पहले, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, इसको समझना शुरू किया, तो सच बताऊँ बहुत इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और कोई है ही नहीं। तो आज मैं CSIR नेट 2019 का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ, जो क्वांटम मैकेनिक्स के एक वेरिएशनल थ्योरम का जो चैप्टर है उससे मैंने लिया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे कई बार डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जल्दी जल्दी मत देखिएगा, थोड़ा आराम से देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम स्किप कर देते हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आने वाला है ये टॉपिक। और इसमें मैं आपको काफ़ी बताऊँगी कि ऑप्टिमाइजेशन वगैरह क्या होता है। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने मेरी ये वीडियोस पूरे पहले नहीं देखी हैं, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम भावना मिश्रा है और मैंने IIT जोधपुर से अपनी MSc कंप्लीट करी है केमिस्ट्री से। मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और मैंने अभी हाल ही में 2019 नेट CSIR नेट क्लियर किया है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 28 थी, मेरा गेट IIT जाम हर एक चीज़ क्लियर है और बार्क का भी मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सामने क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है कि द एनर्जी फंक्शनल फ्रॉम अ ट्रायल वेव फंक्शन इज़, हमें कोई ट्रायल वेव फंक्शन दे रखी है, उसकी एनर्जी हमें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। ई अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या लिखा है कि एनर्जी जो है वो मेरे इस अल्फ़ा वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है। और किस तरीके से डिपेंड कर रही है कि एनर्जी इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 6। तो अब हमें क्या बताना है कि द वेरिएशनली ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी इज़ वेरिएशनली। अभी इसके बारे में हमको वेरिएशनल थ्योरम पता होना चाहिए। तो वेरिएशनल थ्योरम जो है वो बेसिकली हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो वेरिएशनल थ्योरम का मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देना चाहती हूँ कि इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारी एनर्जी होती है हम कुछ ट्रायल वेव फंक्शंस लेते हैं। जैसे इन्होंने भी ट्रायल वेव फंक्शन की बात करी है, तो वैसे ही हम कुछ ट्रायल वेव फंक्शंस लेते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करके उनकी जो एनर्जी आती है फिर उसको हम जो एक्चुअल वेव फंक्शन होता है जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला होता है उससे देखते हैं मिला के। अगर वो उसके आसपास रहती है तो समझ लीजिए वो जो हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है वो बहुत सटीक और बहुत सही है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इस एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करना है और फिर हमें बताना है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए वेरिएशनली ऑप्टिमाइज़ करने का क्या मतलब है, हम लोग ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से मतलब क्या है कि हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है इस चीज़ की जो मतलब सही हमें उत्तर दे दे। जब हम इसको पुट करेंगे इस अल्फ़ा की जगह पर, ये जो हमारी इक्वेशन है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करके कुछ मेरी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी और जब मैं उसको इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो मेरे को एनर्जी मिल जाएगी। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमारे ग्राफ, जब ये इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो हमारी किस में आती है, ग्राफ में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम पोटेंशियोमेट्री का pH का ग्राफ बनाते हैं तो pH का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार आता है, ऐसे आता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा आता है, कुछ ऐसा आता है। फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है, इस प्रकार का आता है। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है, मतलब हम अपने एक वैल्यू के और क्लोज होते जाते हैं। एक हमें फाइनली, अभी इस ग्राफ से हम कुछ वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम एक अच्छी वैल्यू बता सकते हैं। उसी तरीके से इसकी एप्लीकेशन होती है डिफरेंशिएशन की, मैक्सिमा और मिनिमा में। मैक्सिमा, हम लोग जब मैक्सिमा निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोई भी जो जिस वेरिएबल के अगेंस्ट हमें मैक्सिमा निकालना है, फिर उसको हम जीरो पे पुट करते हैं, फिर वो वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और फिर इक्वेशन में पुट करके हम मैक्सिमा पॉइंट निकालते हैं कि मैक्सिमा कहाँ पर होगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी करते हैं। तो ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। और अब आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो वेरिएबल हमें दिया हुआ है।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एनर्जी है, अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हुई होगी, उस इक्वेशन को देखिए सबसे पहले कि उसमें वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल पता चल गया अल्फ़ा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डी ई बाई डी अल्फ़ा लिखेंगे, फिर उसको ज़ीरो के पुट कर देना है, उसको डिफरेंशिएट करके और ज़ीरो के पुट कर देना है। तो अब आपका डी बाई डी अल्फ़ा लिखा, ई की जगह मैंने वहाँ पर पूरी इक्वेशन लिखी अल्फ़ा की, ये जो इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट कर दिया अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए 1, 6 जो न्यूमरेटर है ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, मतलब एक्स की पावर एन अगर कुछ है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन एक्स की पावर में एन माइनस 1, मतलब एक कम हो जाएगा। तो वैसे ही अल्फ़ा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, और 3 अल्फ़ा का क्या हो जाएगा, अगर मेरा एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, वैसे ही 3 अल्फ़ा का क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट है बाहर, तो वो तो ज़रूर रहेगा। फिर उसको मैंने 0 से पुट कर दिया, 0 को पुट करा, जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो मेरे को वैल्यू मिल जाती है 3/2, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपकी वैल्यू यही आएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, जो हमारी अल्फ़ा स्क्वायर वाली इक्वेशन है इसमें आपको पुट कर देना है। जब आप इसको पुट कर दोगे तो आपको सॉल्व करके एक रिज़ल्ट मिलेगा -3/8। ये जो आपका जो -3/8 है, ये आपकी वो एनर्जी है जो वेरिएशनली ऑप्टिमाइज्ड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, -3/8, और आपको 4 मार्क्स मिल गए। आपका अच्छा हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास एम है और वो वन डायरेक्शनल, मतलब आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा 1D बॉक्स के बारे में, 1D, 2D, 3D ये बॉक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, इज़ मूविंग इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स जिसकी लेंथ 2L है। तो देखिए 2L लेंथ है यहाँ पे, ये मार्क कर लेना कि 2L लेंथ है। अब हमें बतानी है कि एनर्जी क्या होगी उस लेवल की, n = 8। n = 8 हमें लेवल दे रखा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी। हमें पता है कि जो एनर्जी होती है ऑफ अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, ये क्या होती है, n² h² / 8 ml², जहाँ पे n होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, 8 हमारा कांस्टेंट होता है, m होता है मास, और l होता है लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पर मेरी जो बॉक्स की जो लेंथ होती है हमारी उस एक्सपेरिमेंट में, वो होती है 0 to L, बट यहाँ पर हमारी को जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 2L। तो अब हमें L की जगह क्या पुट करना है, 2L, और N की जगह क्या पुट करना है, N जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी जगह हमें पुट करना है 8, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, n = 8 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8² h² / 8 m, L की जगह जो लेंथ है वो मेरी 2L है, तो 2L लिख देंगे। देखिए, यहाँ पर कई बच्चे ना गलती कर देते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि लेंथ को सिर्फ L पुट कर देते हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग इस गलती को करने से बच जाएंगे और आपको 4 नंबर मिल जाएगा और उनको नहीं मिलेगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात हो गई, आपको कितना फ़ायदा हो गया ये वीडियो देखने का, और आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, एक ट्रिक भी पता चल गई कि अगर ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको कहा था कि आपका ये टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो अब आप देखिए, बस कुछ नहीं करना, आपको ये सॉल्व कर लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए आपका इसमें आंसर क्या हो गया, ये तो अब आपको 4 नंबर फिर से मिल गए, आप और करीब होते जा रहे हैं नेट को क्लियर करने के। तो ऐसे मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आ रही होगी, मेरे कॉन्सेप्ट बताने के तरीका पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों, जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर शुरू करूँगी तो आप वो क्वांटम मैकेनिक्स वाला जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं आपको इतनी ईजी ट्रिक्स बताऊँगी कि आप क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन बाएँ हाथ से सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन और पेपर उठाए, आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप बस क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर बता देंगे, क्योंकि क्वांटम के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, होते इतने बड़े हैं बट आंसर उसके एक लाइन के होते हैं।
तो आप मेरी क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ ज़रूर देखना। उससे पहले अभी मेरा GOC कंडक्टेंस मैंने ये सब कंप्लीट करा दिया है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस भी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इस मेरे केमिस्ट क्लब से अपडेटेड रहिएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।